अनुदानों की मांग तथा पर्यटन मंत्रालय की परिवहन पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति की विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों के संबंध में रक्षा मंत्रालय के वर्ष 2019-20 के पहले व तीसरे प्रतिवेदन और वर्ष 2020-21 के सातवें प्रतिवेदन तथा पर्यटन मंत्रालय के वर्ष 2021-22 के 228वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण में सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। माननीय श्री धनवे राव साहब दादा राव। दो बार नाम एक और है। मैं आज के संशोधित कार्यसूची मेरे नाम के सामने प्रश्न संक्रमण संख्या 8 पर उल्लेखित कागज का सभापटल पर रखता हूं। माननीय पदवी निरंजन ज्योति जी। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध विवरण सभापटल पर रखना चाहती हूं, जो कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2021-22 की अनुदान मांगों के बारे में खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 9वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में है। डॉक्टर एल मुरुगन जी। रेस्पेक्टेड सर, विथ योर काइंड परमिशन आई राइज टू मेक ए स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशंस ऑब्जर्वेशन कंडक्टेड इन द 25th report of the department related parliamentary standing committee on information technology on demands for grants 2021-2022 pertaining to the ministry of information and broadcasting. Thank you. Statement regarding government business, Sri V. Muralidharan ji. Sri V. Muralidharan ji. Mananiya Muralidharan ji, statement regarding government business. Sir. Sir, with your permission, I rise to announce the government business for the remaining part of the 254th session of Rajya Sabha may consist of one, consideration, passing or return of following bills as passed by Lok Sabha: the appropriation number 4 bill 2021, the appropriation number 3 bill 2021, the general insurance bill nationalization amendment bill 2021, and the statutory resolution seeking disapproval of the tribunal reforms ordinance promulgated by the President of India on 4th April 2021, and consideration passing of the tribunal reforms bill 2021. 2. Consideration passing of the following bills after they are passed by Lok Sabha: 1. Central Universities Amendment Bill 2021, the Assisted Reproductive Technology Regulation Bill 2022. It starts with the statements to be made by the ministers or the papers, which Minister for State for Parliamentary Affairs has done so. This issue has been raised, I don't want to repeat it. But sir, statement by ministers at serial number 3 by Shri Gajendra Singh Shekhawat, you चाहिए घर कहां बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, इन चीजों को लेके ये इंस्टीट्यूट जो है लोगों को अभी तक कितना अवेयरनेस कैंपेन किया, आगे जाके ऐसे क्या पॉलिसी है, ये मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। लद्दाख भारत में पर्यावरण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख का जो फ्लोरा फौना है और लद्दाख में जिस प्रकार से पर्यावरण संतुलन का जो विषय है उसको लेकर के सरकार पूरी तरीके से सजग है। माननीय सदस्य महोदय इस बात से पूरी तरीके से चिंता व्यक्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो लद्दाख की वाइल्ड लाइफ का कमेटी के भी मेंबर है, अभी उसकी 24 जुलाई को मीटिंग भी हुई है, उन्होंने उसको अटेंड भी किया है। उसमें सारे संरक्षणीय विषयों का, लद्दाख के फ्लोरा और फौना जैसे विषयों का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है, और हिमालयन साइंस इंस्टीट्यूट के द्वारा विशेष रूप से लद्दाख को लेकर के जो योजना है उसके अवेयरनेस प्रोग्राम की जानकारी हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से भी लोगों को दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 279 क्लब किया जाता है, श्री जयदेव गल्ला जी। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, उत्तर सदन के पटल पे रखा गया है।
श्रीमती सुमनलता अमरीश। थैंक यू सर। सर माय क्वेश्चन इज अबाउट द इंपैक्ट ऑफ इलीगल माइनिंग ऑन आवर सराउंडिंग्स। हेवी ड्यूटी एक्सप्लोजिव्स एंड केमिकल्स आर यूज्ड फॉर दिस ब्लास्ट सर, एंड देयर इज राइजिंग इंसिडेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, लंग डिसऑर्डर्स एंड other health issues that villagers and surrounding issues are facing. Also air quality and groundwater table, crops are affected, livestock are not able to graze because of the accumulation of chemical dust in these areas, sir. My question through you, sir, to the government is, if the government is taking any measures to prevent illegal mining and protect our environment and monitor such activities in our villages. माननीय सदस्य, इससे संबंधित प्रश्न नहीं है। माननीय मंत्री जी जवाब देना चाहे तो जवाब देने दो, माननीय सदस्य को बाद में बता दें। माननीय सभापति महोदय, उन्होंने एक जनरल अपने क्षेत्र के बारे में पूछा है। मैं उनको कहना चाहूँगा कि देश में जो एयर पोल्यूशन है उसके लिए पूरे देश में हमने 34 स्टेट्स में 1114 जो है वो मॉनिटरिंग स्टेशन की व्यवस्था करी है। उनके क्षेत्र के संबंध में जो एनवायरनमेंट के एयर पोल्यूशन के जो मॉनिटरिंग सेंटर है उसकी जानकारी वो मेरे से ले सकते हैं। नंबर 263 श्रीमती सजदा अहमद। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 264 श्री AKG सिंधराज। नो माननीय मंत्री जी, पर रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 265 श्रीमती भावना गावित। माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य नो श्री ओम राजे निम्बालकर। क्वेश्चन नंबर 266 श्रीमती समिष्टा सेठी। क्वेश्चन नंबर 266 माननीय मंत्री जी, कोई सर, देयर आर ओवर 9 लाख चिल्ड्रन विद सीवियर माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम Odisha government is taking several measures. Odisha supports the nutrition agenda through agriculture policies, the public distribution system among others. Odisha has become the first Indian state to drop a nutrition budget in the country. UNICEF as well as Niti Aayog have appreciated Odisha's effort in direction of addressing malnutrition. In 2021-22 budget, Union government merged the supplementary nutrition program and Poshan Abhiyan. But the budget estimate on nutrition has gone down to 2700 crore in 2021-22 from rupees 3700 crore in 2021-22. Budget announcement is required if you want to sustain the momentum of the mission. Sir, I would like to ask the Honorable Minister whether there is any proposal to increase the allocation on nutrition and provide the states like Odisha where program is being run successfully. Sir, through you, I'd like to bring to the attention of the Honourable Member that the Government of India, under the leadership of Prime Minister Modi, is committed to ensuring that the nutritional needs of all children, pregnant and lactating women are met. The Honourable Member's expression about reduction in budget, I have previously and along with the MOS, Ministry of Women and Child Development, answered to this very August House that given the revised expenditure of our ministry, we have ensured that not a penny is spent less on the nutritional needs of all states, which includes the state of Odisha. We are in continuous engagement with the state governments to ascertain the infrastructure and nutritional needs of the project in Odisha. Sir, supplementary question. Sir, further the mission portion basically addresses the problem of aspirational districts. What steps are being taken to address this issue in the districts which are not in the category of aspirational districts?
sir, I think the anomaly that has been expressed by the honourable member needs to be corrected. Poshan Abhiyan is an effort of the Government of India across all districts and all states of our country. And I very happily, sir, express on the floor of this House that for the first time in the history of independent India, there have been governments before the Modi government who have not given instruments in Anganwadi so that a child can be measured or weighed. It is under Poshan Abhiyan that the Honourable Prime Minister has ensured that not only measuring devices are given to Anganwadis, but even every Anganwadi now is covered with smartphones so that data can be automatically generated about beneficiaries that need to get enrolled and the benefits that are to be accrued to them. Sir, in the month of March, Poshan Tracker was launched by this very government, and I'm happy to say that in just 3 months, we have had every Anganwadi in the country now digitally connected to the Government of India so that needs of the Anganwadi, including challenges, can be met with solution. Question number 267, Sri Gaurav Gogoi ji. Mananiya Sadasyagan, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप अपने अपने आसन पर विराजें, संसद की कार्रवाई चले, लोगों में चर्चा हो, प्लीज अपने अपने आसन पर विराजें, प्लीज अपने अपने आसन विराजें। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं, सभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।